हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हरियाणा की खाप ने सर्वसम्मति से किसान आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया है। खाप से जुड़े किसान भी कल से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। हरियाणा की खाप ने सर्वसम्मति से किसान आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। खाप से जुड़े सभी किसान भी कल से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। देखिए, कृषि बिलों को लेकर, किसानों के आंदोलन को लेकर सबसे बड़ी खबर यह है कि किसानों ने केंद्र के बुराड़ी मैदान में जमा होने वाले प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। किसानों ने साफ साफ कहा है कि वो अपनी जगह से नहीं हटेंगे। सिंगू बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक में किसानों ने फैसला किया है कि वो बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन फिलहाल अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। केंद्र सरकार चाहती थी कि किसान बुराड़ी मैदान में इकट्ठा हो, लेकिन किसान अभी भी दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर जमा है। किसी तरह की हिंसा ना हो, इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। किसान अलग अलग बॉर्डर्स पर टिके हुए हैं। इस वक्त हम टीकरी बॉर्डर पर हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है मॉनिटरिंग के लिए यहां पर ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रही है। ड्रोन जो है वो आप यहां पर देख सकते हैं कि ड्रोन जो है वो यहां पर लगाया गया है। कुल मिलाकर जिस तरीके से बड़ी संख्या में जो किसान हैं उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए कि कहीं कोई उपद्रवी तत्व तो नहीं है, तो तमाम जो एहतियात हैं वो दिल्ली पुलिस की तरफ से बरते जा रहे हैं। और ये ड्रोन की जो तस्वीरें हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ड्रोन की तस्वीरों में पूरा का पूरा जो किसान आंदोलन है वो आपको नजर आएगा कि कितनी बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हैं टीकरी बॉर्डर पर, बाकायदा अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर। और ये ड्रोन की जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं इस वक्त, जहाँ पर एक तरीके से आपको पूरा का पूरा जो एरियल व्यू है वो टीकरी कला बॉर्डर पर ये ड्रोन कैमरे की मदद से नजर आएगा। तो कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम जो एहतियात हैं वो बरते जा रहे हैं। पूरे के पूरे जो बॉर्डर्स पर किसान टिके हुए हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, और उसके लिए ड्रोन कैमरे का भी यहां पर बॉर्डर्स पर इस्तेमाल हो रहा है। और देखिए, किसान संगठनों का रुख सामने आने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर उनसे अपील की है कि बातचीत की टेबल पर उन्हें आना चाहिए। तीन राउंड की बातचीत हो गई है और चौथे दौर की बातचीत के लिए 3 तारीख पहले से ही तय थी। ऐसे में बातचीत को जारी रखना ही इस समस्या का समाधान होगा। भारत सरकार किसानों से, किसान यूनियन से उनकी समस्याओं को लेकर लगातार 3 दौर की वार्ता कर चुकी है। चौथी बार 3 दिसंबर को मिलेंगे ऐसा सरकार ने प्रस्ताव दिया था, तो वार्ता का क्रम तो चल ही रहा है। मतलब किसी को यह सोचने की आवश्यकता नहीं कि सरकार बात करने को तैयार नहीं थी। सरकार ने मंत्री के स्तर पर बातचीत की, अधिकारियों के स्तर पर बातचीत की, और अभी भी सरकार खुले मन से बातचीत करने को तैयार है। लेकिन बातचीत का माहौल किसान यूनियन ने बनाना चाहिए और उनको आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा का रास्ता अपनाना चाहिए। और उस वक्त आपको बड़ी खबर दे दें।